सफलता के लिए राह देखनी पड़ती है, इसके बारे में मैं आपसे आज बातचीत करने वाला हूं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसनमुक्ति महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूं। कोई भी सफलता जो है वो आसानी से मिलती नहीं है, उसको समय देना ही पड़ता है। एक बार गौतम बुद्ध के पास में एक उसका शिष्य गया, उसने उनको पूछा कि मुझे है ना पूरा ज्ञान जो है वो पूरा ज्ञान मुझे दे दो। गौतम बुद्ध ने उनको बोला 5 साल लग जाएंगे। बोले नहीं मुझे जल्दी है, मुझे सब ये जल्दी होना है, मुझे जल्दी ज्ञान लेना है और फिर मेरा मतलब ऐसा पूरा आत्मज्ञानी होने का है। बोले नहीं, बोले मैं 2400 घंटे आप जितना बोलो उतना काम करूंगा जो भी है। बोले 20 साल लगेंगे। बोले ऐसा कैसा उल्टा बोल रहे हैं? हाँ बोले जो भी काम करना है, जो भी सफलता आपको प्राप्त करनी है, उसके लिए जो समय देना पड़ेगा वो समय आपको देना ही पड़ेगा। आप उसमें जल्दबाजी करके काम होता नहीं है। मैच्योरिटी जो है वो मैच्योरिटी आनी चाहिए। समझो आपका कच्चा आम है, अब उसको बोले नहीं पकना चाहिए, 1 घंटा उसके ऊपर नजर रखा हमने और 1 घंटे में पकना चाहिए, कुछ भी करेंगे मगर 1 घंटे में उसको टाइम देना ही पड़ेगा वो आम को पकने के लिए। मगर हम क्या करते हैं कि हमको जल्दबाजी में हमको या इंस्टेंट की ये दुनिया में हमको सब कुछ इंस्टेंट चाहिए और इंस्टेंट इज नेवर कॉन्स्टेंट। हमको खुद को कम समझते हैं। मार्केट टाइट है, मैं कमजोर हूँ, मेरा धंधा बराबर नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता हूँ, लोग मुझे अच्छा नहीं बोलते, मेरी बुद्धि कम है, मेरे पास में आइडियाज कम है, ऐसा खुद के बारे में खुद लोग कम खुद को लिखते हैं और खुद को कम उसको गिनते हैं। आपकी जो कीमत है वो आप ही ठहरा सकते हो। आपकी कीमत आप ठहराएंगे कि मैं कौन हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। दुनिया का कोई भी इंसान जो है, कोई भी राजा जो है जो बना, उसने अपने आप को राज्याभिषेक कर लिया, उसने अपने आप को राजा का मुकुट अपने हाथ से अपने सर के ऊपर रखा हुआ है, अपने कर्तृत्व से, अपने एक्शन से, अपने कृति से। तो आपको वही करना पड़ेगा जो लोगों ने किया हुआ है। कौन सा? कृति करनी पड़ेगी, एक्शन लेने पड़ेंगे, राह देखनी पड़ेगी और सही राह पे चलना पड़ेगा। राह देखते देखते, सही राह पे चलते चलते आप आखिरी आपके मुकाम तक पहुँच सकते हो। तो यदि हम करते हैं तो डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी। उसके लिए धीरज रखना, और धीरज का फल मीठा होता है, ये जरूर आपको मालूम है। सो ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।